भोजपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव की धाक है। वे निरहुआ के नाम से जाने जाते हैं और मौजूदा समय में भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। दिनेश लाल यादव को अपने जीवन में इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दिनेश लाल यादव का जन्म 2 फरवरी 1979 को गाजीपुर में हुआ था। पिछले साल ही दिनेश भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। आज मैं आपको निरहुआ जी के जन्मदिन के मौके पर बताने जा रहा हूँ उनके जीवन से जुड़े कुछ संघर्ष और उनके जीवन की जुड़ी कुछ बातें। निरहुआ जब यूपी के गाजीपुर के टंडवा गांव में रहा करते थे तो जीवन उस समय उनके लिए इतना सरल नहीं था। वे चकाचौंध की दुनिया से दूर दूर एक गरीब किसान के साधारण से लड़के थे। मगर उस समय से ही निरहुआ को फिल्में देखने का शौक था। निरहुआ ने खुद कई सारे इंटरव्यू में बताया है कि उनके पिता काफी सख्त थे, इस वजह से घर में निरहुआ को फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी। मगर इसके बावजूद फिल्मों को लेकर उनकी दिलचस्पी इतनी थी कि वे आधी रात को घर वालों से छिप छिपा करके सिनेमा देखने जाया करते थे। कई सारे गांव देश में ऐसे हैं जहां पर शादी खत्म हो जाने के बाद रात में फिल्म लगाई जाती है। निरहुआ यूं ही किसी शादी में घुस जाते थे और फिल्म देखने लगते थे। इसके अलावा एक समय ऐसा भी आ गया जब तंगी की हालत में उन्हें पिता के साथ घर छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ गया था। इस दौरान कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए निरहुआ अपने पिता और भाई के साथ झुग्गी में रहते। निरहुआ के फिल्मों में अभिनय करने और गाने के लिए उनके चचेरे भाई विजय लाल यादव का हाथ है। विजय खुद एक गायक थे और दिनेश की कला से काफी प्रभावित थे। बचपन में भैंस पर सवार होकर गाते थे गाना। निरहुआ की माँ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन से ही इसे गाने गाने का शौक था। जब निरहुआ बहुत छोटा था तो उस दौरान भी वो भैंसिया की पीठ पर बैठकर जोर जोर से गाना गाया करता था। निरहुआ के गाने तो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हैं। साथ ही फिल्मों की बात करें तो निरहुआ ने चंचल लंदन, निरहुआ हिंदुस्तानी, पटना से पाकिस्तान, निरहुआ रिक्शे वाला और राजा बाबू समेत तमाम बढ़िया फिल्में की है। निरहुआ ने साल 2015 में आम्रपाली दुबे के साथ पहली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी की थी। आपको बता दें यह फिल्म रोमांटिक लव स्टोरी थी जो दर्शकों के बीच काफी पसंद आई थी। दोनों ने लगभग 20 फिल्में और कई सारे एल्बम में एक साथ काम किया है। दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। यहाँ तक कि लोग इनकी जोड़ी को रियल लाइफ में पति पत्नी के रूप में जानने लगे थे। लेकिन मैं बता दूं ऐसा नहीं है। निरहुआ की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं।